वेलकम टू स्टिच टू फिट। और आज काफी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। ये मेरे पास देखो, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और सीधे हम लोग मुद्दे पे आएंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये मैं ना पर्दे लेके आई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा ही था पर्दा, थोड़ा मैं लेंथ वाइज लंबे लेके आई थी। तो इसमें ये देखो, ये ऐसे ये रिंग लगे थे इधर, ये जो मैंने कटिंग कर दी है। तो ये ऐसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये ऊपर ये कपड़ा ऐसे लगा था, ऐसे ये ऐसे, तो क्योंकि इसमें ये चीज रिंग ना ये आपस में अटैच थे, ये ऐसे, ठीक है। और एक पट्टी मैंने और निकाली ऐसी जो यहां लगी थी, ये ऐसे, ठीक है जी। ये पट्टी ऐसे लगी थी, उसके ऊपर ये कपड़ा लगा था और इसके बीच में ये रिंग थे। वीडियो ताकि ज्यादा लंबी ना बने इस करके मैंने रिंग वगैरह निकाल दी और इसकी कटिंग कर ली थी। तो अब हम लोग इसकी रिंग, अगर जैसे इसका मेन रीजन उतारने का ये है कि इसको जब हम लोग वॉश करते हैं ना मशीन में, वॉशिंग मशीन में, तो ये रिंग ही सारे निकल जाते हैं। या तो फिर बंदे एक एक पर्दा करके धोए, तो इतने घर के पर्दे हम लोग कैसे धोएंगे। तो इस करके मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने बोला इसको मैं निकाल ही देती हूँ, क्योंकि बार बार हमारा रिंग निकलता है। मार्केट जाओ तो ये 10 रुपीज का एक रिंग स्टिच करने का टेलर लेता है हमारे से, तो जितनी बार रिंग निकलेंगे उतनी बार लगवाएंगे। मैंने बोला फिर तो ये मतलब पर्दे से ज्यादा हमें लेबर चार्ज ही पड़ जाएगा इसका, कि हम लोग उसको कितने पैसे देंगे बार बार। तो इस करके मैंने ये जितने भी रिंग थे मेरे पर्दों के, मेरे पास 9-10 पर्दे थे, तो मैंने ये सारे निकाल दिए। और देखो इसको मैंने कटिंग कर दिया, थोड़ा लंबा तो था ही, तो ऊपर से मैंने इसको, क्योंकि नाप हम लोग जब भी पर्दे खरीदने जाते हैं तो हम लोग लेके जाते हैं, तो ये मैं मतलब थोड़ा सा लंबा लेके आई थी। तो ये देखो अभी मैंने ये देखो ये ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक है। इसको पट्टी को मैंने अलग कर लिया, इसको बीच बीच में से कट कर दिया। अब इसकी हम लोग लुपियां बनाएंगे, वो मैं आपको मशीन में दिखाऊंगी। और जो एक पर्दा मैंने रेडी किया वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो इसको सारे को उठा देते हैं, इसको मैं आपको मशीन पे समझाऊंगी कि आपने कैसे बनाना है इसको। तो ये देखो, एक तो देखो ये पट्टी मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है जी, आपने ऐसे पट्टियां बनानी है। तो ये देखो, ये मैंने पर्दा तैयार करके रखा है, ये देखो, ये देखिए। तो ये पर्दा मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे बना के तैयार करा है। तो आप इसको जैसे कटिंग कर लिया था, तो ये अंदर की तरफ ही हमने सेम कपड़ा लगाया है, ऊपर हमने ये सारी लुपियां ये बना के हमने ये बना के लगा दी है, ताकि ना बार बार रिंग निकालने का चक्कर है, ना दूसरे रिंग जो पर्दों में आते हैं, दूसरे चुन्नट वाले हम लोग अगर पर्दे बनाते हैं तो उसका भी कोई झंझट नहीं रहे। तो इस करके मैंने ये एक पर्दे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लुपियां मैंने लगाई है। तो आप इसकी आपकी लेंथ भी पूरी हो जाएगी, और ये देखो मतलब बार बार वो जो रिंग लगे होते हैं ना मतलब स्टील के, तो ना उसको लगाने का झंझट। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आप चलते हैं हम लोग मशीन की तरफ कि आपने ये कैसे रेडी करना है, ठीक है जी। तो ये देखो, ये जैसे ऐसे कपड़ा था ऐसे जुड़ा हुआ जो मैंने आपको अभी उसमें समझाया, तो ये ऐसे हमने बीच बीच में से कट कर लिया। तो आपने इसको इतना 10 इंच के करीब रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि बड़ी लुक पे भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ये देखो ये 10 इंच है, ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है जी। इसी के नाप की हम लोग बनाएंगे। मैंने देखो ये कुछ एक मैंने बना के भी रखी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने सारे पर्दों की बना के रखी है। ये देखो अभी इसको मैंने साइड से खोल दिया, इसको कैसे बनाना है, ऐसे और ऐसे, और ये ब्लैक कलर का मैंने रील चढ़ाया इसमें। तो ये देखो आपने बिल्कुल इजी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपने, ये इसमें साइड में करनी थी ना, तो इस करके मैंने इसको ऐसे बनाया। अभी इसको कैसे बनाना है, हमने दोनों तरफ से अंदर को फोल्ड करना है आपने कपड़ा, ठीक है जी। और आप बाहर टेलर को पैसे ना देके आप खुद ही इसको घर में
बना सकते हो और ये इजिली बन भी जाएगा आपसे। ठीक है, इसको ऐसे और ऐसे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कपड़ा जो हमने अंदर को फोल्ड कर दिया ताकि उधड़े भी ना तो, और आपकी ये जो लुपी है ये फिनिशिंग के साथ ऐसे, ये देखो। ठीक है जी, अब मैं इसको भी बना के दिखा देती हूँ। ये तीन लुपियां, बाकी जो मैंने बनाई है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये ऐसे, कोई ज्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा। ठीक है जी, और ये देखो, ये मैंने सारे पर्दों के लिए लुपियां बना के जो है मैंने रख ली है ये सारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस, आपने इसको अटैच कैसे करना है। ठीक है जी, अच्छा अब आपने लुपी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप पहले तो देखो, मैंने जो ये मार्जिन रखा है ना, ये सारा पहले तो नाप लिया था मैंने, तो ये मैंने 7.5 इंच की, 7.5-7.8 की गैपिंग दी। ये देखो, ये 7.5 ऐसे, ये 7.5 ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, आपने ऐसे गैपिंग दे लेनी। और अगर इन केस आपको, मैं दूसरा भी तरीका बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ऐसे भी हाँ जी हमने कैसे करना, तो इसको पर्दे को ऐसे पकड़ना आपने, ऐसे ये हाफ हो गया, ऐसे डिवाइड करके आपने इसको ज्यादा ना करते हुए ऐसे इसके 3 फोल्ड कर दो। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, आपके सारे में इक्वल निशान लग जाएंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे ये मैंने लगाया ना, वैसे आप इक्वल चाहे चौक से लगा लो चाहे कैंची से कट मार लो, मैंने कैंची से ये कट मारे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको लगाने बता रही हूं। अब आपने पर्दे को ऐसे सीधा रखना है। ठीक है, ये जो आपने पट्टी काटी है इसको ऐसे इसको खोल लेना है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम लोग इसको खोल देंगे। ठीक है जी, ये खोल के इसको रखेंगे ऐसे, और फर्स्ट लुपी इसको करेंगे ये ऐसे हम लोग। ठीक है, तीनों चीजें हमने सीधी रखनी है, इसको भी सीधा रखा देखो हमने, ये देखो ये भी पर्दा भी सीधा है, लुपी भी सीधी है, पर लुपी का जो मुंह है वो इस तरफ को है और उसके ऊपर ये कपड़ा भी ऐसे आपस में अंदर की तरफ जो है ये सीधा है, देख रहे हो आप। अब आपने इसके ऊपर फर्स्ट लुपी ऐसे लगानी है। ठीक है जी, ये सबसे साइड में आएगी, थोड़ा सा इसको हम लोग पक्का कर देंगे, थोड़ा मोटा ज्यादा है। और इसमें जैसे अब मेरी तो अम्ब्रेला मशीन है तो इसमें आप नीडल भी 21 नंबर यूज करिए। ठीक है, ताकि आपको सिलते टाइम कोई परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि पतली अगर सुई होगी तो वो आपकी हो सकता है कि टूट जाए। ठीक है जी, अब आपने ऐसे ऐसे करके ये लुपियों को ऐसे, जहां मैंने ये मैंने तो यहां निशान लगाया, ये देखो कट आपको दिख रहा होगा, मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में इसको लुपी को रख दिया। ठीक है जी, ऐसे और उसके ऊपर इसको, और ऐसे हमने इसमें लुपियां लगाते जाना है। अब मैं आपको लगा के फिर सारा दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये देखो लुपी हमारी लंबाई जो है, ये जो हमने लगाई ये 10 इंच की है, ये जब हम लोग ऐसे सिलाई के बाद ये 4.5-4 इंच की बचेगी। और इसकी जो ये अनदर जो हमने कपड़ा लगाया ये 2 इंच की है पट्टी। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसको, ये 2 इंच की है। ठीक है, अब मैंने लुपियां तो इसमें सारी लगा दी, ये देखो सारी अटैच कर दी। अब हमने इसको कैसे इसको अब पलटना है वो मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखो ऐसे है, तो अब आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। ठीक है जी, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हमने सीधा कर लिया। इसको एक बारी फिर से ऊपर से हम लोग थोड़ी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, इस करके मैंने आपको ये, मतलब अगर आपकी सिंपल मशीन है तो उसी हिसाब से आप, जैसे जहां मेरी रील वगैरह मिलती है वहां से आप ये नीडल लेके आए। और मेरी बड़ी मशीन है तो इसमें ऑर्गेन की चलती है 21 नंबर, ये गोल होती है सुई। तो ऐसे आपने, ये देखो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मोटा हो रहा है पर्दा, तो इस करके थोड़ा सा सिलने में थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी परेशानी इसमें आती है। तो ये देखो आपने ऐसे एक बारी फिर से इसको पक्का कर देना है, ऐसे इसको उल्टी तरफ। ठीक है,
सीधी तरफ से तो हमारा पर्दा ये ऐसे देखो, दोनों तरफ से ये लुपियां भी सीधी आ रही हैं। अभी ये जो हमने कपड़ा लगाया है ये इस तरफ को, उल्टी तरफ को हमने पलट के इसको सिलाई लगानी। अब मैं इसको सिलाई लगा के फिर फाइनल सिलाई फिर वो दिखाती हूँ। ये देखो ये मेरी सिलाई लग गई है। तो अब हमने इसको एक फोल्ड और कर देने ऐसे, ठीक है जी। इससे जितना भी इसमें अंदर की तरफ जो भी धागे दुगे निकले हैं ये सब अपने आप अंदर ही छिप जाएंगे और ये भद्दा बनी दिखेगा। और इसको हम लोग ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी फाइनल सिलाई है। इसको आपने ऐसे हाथ से साफ कर लेने धागे जितने भी हैं। तो ये देखिए ये पर्दा जो है मेरा ये बनके देखो तैयार हो गए। ये देखो ये मैंने लुपियां लगा दी हैं सारी इसमें और ये अब सुंदर भी लग रहा है। और इसको अब कोई झंझट नहीं, आप वॉशिंग मशीन में जैसे मर्जी इसको धो सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने जरूर दबाना है जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए।